हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ राशि और मेरे साथ हैं रवीश। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का जो आज मैच होने वाला था वो मैच पोस्टपोन हो गया है। और मैच पोस्टपोन होने की वजह रवीश यही बताई जा रही है कि केकेआर के जो दो खिलाड़ी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भी है और साथ साथ बहुत ही दुख वाली खबर है कि इस तरीके से खिलाड़ियों को जो है बीमार हो गए हैं, कोरोना हो गया है और देश के हालात वैसे ही इतने खराब है। तो रवीश, आपको क्या लगता है कि ये मैच किस तरीके से रीशेड्यूल होगा, या अगर ये मैच अभी पोस्टपोन हो गया है तो हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि मैच नेक्स्ट कब होगा? बिल्कुल, देखिए राशि, इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है कि ये मैच कब रीशेड्यूल होगा या कब इस मैच को करा जा सकता है। फिलहाल ये बात तो कंफर्म है कि मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो मैच तो नहीं होने वाला है। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में एसेस की जाएगी केकेआर की सिचुएशन की, कब उनके सारे खिलाड़ी जो हैं वो फिट हैं, उनके जो जिन खिलाड़ियों को, क्योंकि सारे अब आइसोलेशन में चले गए हैं, जो खिलाड़ी जो जिनकी तबीयत खराब है वो क्या अलग कर दिया गया है, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो सेफ हैं। तो वो अगर फिट होंगे तो मुझे लगता है कि इस मैच को कभी कराया जा सकता है। लेकिन ये मैच अभी तो नहीं होगा, 10-12 दिन के अंदर बाद में इसको कराया जाएगा। और ये हो सकता है कि वीकडेज के अंदर इस मैच को कराया जाए, जब 7:30 वाला मैच हो तो 3:30 बजे इस मैच को स्केड्यूल किया जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि बीसीसीआई ऐसा कुछ तरीका निकाल सकती है। तो अगर ये तरीका नहीं निकाला बीसीसीआई ने, तो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बीसीसीआई के पास कि वो किस तरह इस मैच को रीशेड्यूल करे? क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, अब केकेआर की जो पूरी टीम है, बाकी के प्लेयर्स तो आइसोलेशन में चले गए, दो पॉजिटिव हो गए, तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो आईपीएल से बाहर करेंगे इसको, ये तो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी कि केकेआर को बाहर करना पड़े अगर उनके अभी दो खिलाड़ी पॉजिटिव हैं। बाकी खिलाड़ियों की भी बताया जा रहा है कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और उनको आइसोलेशन में रखा। बिल्कुल, आइसोलेशन में रखा। आइसोलेशन कोई छोटा मोटा आइसोलेशन तो है नहीं, 15 से 20 दिन का। अगर उनकी टीम के खिलाड़ी जो है या वो टीम अभी खेलने लायक नहीं बन पाती है 10-15 दिन में, तो हो सकता है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसके सारे मैच जो है वो अबैंडन कर दिए जाएं। उनके मैनेजमेंट से भी बात की जाएगी, डेफिनेटली केकेआर के भी, और बाकी टीमों से भी बात की जाएगी कि क्या वो केकेआर से खेलने के लिए तैयार है या नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सारे खिलाड़ियों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी जाके केकेआर की जो टीम है वो फिट रहेगी, तभी जाके उनकी टीम जो एलिजिबल रहेगी किसी मैच को खेलने के लिए। अगर खिलाड़ी फिट नहीं होंगे, खिलाड़ी आइसोलेशन में होंगे, क्वारंटाइन में होंगे, या फिट होकर बाहर नहीं आए होंगे जितने उनके खिलाड़ी बाकी का जो स्क्वाड बचा हुआ है, तो फिर आप मैच कैसे करा सकते हैं, फिर डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। क्या रवीश, एक चीज और मुझे बताइए कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने लास्ट मैचेस जो खेले हैं, तो जिन भी टीम्स के साथ मैच खेले हैं वो उन टीम से मिली है, उनसे हाथ मिलाया है, उनसे बात करी, उनके साथ बैठे हैं, तो क्या उनके लिए खतरे की घंटी नहीं हो सकती है कोरोना? ये भी बिल्कुल देखना पड़ेगा। लास्ट मैच राशि उन्होंने खेला था डीसी के साथ, दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और आपको याद होगा उसमें पृथ्वी शॉ ने 6 चौके भी लगाए थे शिवम मावी पे, और मैंने देखा था मैच के बाद दोनों जो खिलाड़ी थे, दोनों टीमों के खिलाड़ी थे, आपस में मिल रहे थे। डेफिनेटली यार, उनके बारे में भी सोचना होगा। मुझे लगता है, देखिए एक प्रोसेस तो है यहाँ पे कि मैचेस के बाद भी टेस्ट होते रहते हैं, तो उनकी अगर सबकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव ही आई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो डीसी के भी खिलाड़ी हैं, मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करूँगा किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव ही आई होगी, और मैं ये चाहता हूँ कि सारे खिलाड़ी सेफ रहें। बट हाँ, ज़रूर ये है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा जो सेफ्टी है वो इन टीम को बनानी पड़ेगी अब, जो भी टीमों के मैचेस केकेआर के साथ थे। और डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन है जो आज से पहले हमने देखी नहीं कभी आईपीएल में, कि एक कोविड सिचुएशन आई और उसकी वजह से जो मैचेस थे, मैच था वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो देखिए सिचुएशन तो है और उस पर अब ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो रवीश, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो बीसीसीआई का डिसीजन था, जितने भी मैचेस हुए वो हॉटस्पॉट्स पे हुए, जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स थे, दिल्ली हो गया, बॉम्बे का, मुंबई का आपका वानखेड़े स्टेडियम हो गया, तो क्या बीसीसीआई का डिसीजन सही था कि उन्होंने हॉटस्पॉट्स को चुना? वरना वो उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स के स्टेडियम भी चुन सकती थी, जैसे अगर हम मोहाली का स्टेडियम देखें कि वहाँ केसेस भी कम है जी, तो वो स्टेडियम ना चुन के उन्होंने हॉटस्पॉट स्टेडियम चुने, तो क्या वजह रही कि उन्होंने ये स्टेडियम चुने और क्या उनका ये डिसीजन सही था? देखिए बीसीसीआई की जब बैठक हुई होगी इसमें, और शायद उन्होंने डिसीजन लिए होंगे, उस समय आवाज़ें उठने लग गई थी कि आप मुंबई में क्यों मैच करा रहे हो, महाराष्ट्र में तो इतने ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। वैसे राशि, ये बात भी सही है कि बीसीसीआई अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे सकता है कि देखो हमने तो मुंबई में मैच कराया, वहाँ तो कोई भी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, जिससे भी हमने मैचेस कराए, चेन्नई में भी उन्होंने मैचेस कराया, अहमदाबाद और दिल्ली में हो रहे हैं, तो वो ये तर्क दे सकता है अपना। लेकिन हाँ, ये एक रिस्क जरूर था, आप ऐसे वेन्यूज में करा सकते थे मैच जहाँ 19 स्टेट्स में करा सकते थे जहाँ कोरोना के ज़्यादा केसेज नहीं थे। जैसे आप बिल्कुल आपने सही कहा, मोहाली में आप करा सकते थे, पंजाब में यानी कि धर्मशाला में करा सकते थे, हिमाचल में, तो ऐसी जगह आप मैचेस करा सकते थे। बट मुझे ये लगा कि उनको शायद ये देखना था कि जहाँ पर हम 4 टीमों को कम से कम एकोमोडेट कर सकें, क्योंकि आप बड़ी सिटीज में कराएंगे तो 5-स्टार होटल्स भी होते हैं, उस तरीके की फैसिलिटीज भी होती हैं, उन्होंने कन्वीनियंस ही को ऊपर रखा। एग्जैक्टली, इसकी वजह से सेफ्टी, ये कह सकते हैं हम, सेफ्टी देखिए उन्होंने बायोसिक्योर बबल तो बनाया, बट उनका पहला कंसर्न शायद यही था कि हमें ज्यादा फैसिलिटीज जहां ज्यादा मिल जाए वहां मैचेस करवाएं, व्हिच आई थिंक कि शायद वो
इस बारे में डिसीजन ले सकते थे और मोहाली, धर्मशाला, इंदौर, यहाँ पे मैचेस कराए जा सकते थे, मोहाली में करा सकते थे, क्योंकि मोहाली, मैं भी मोहाली स्टेडियम गई हूँ जी, मैं मैच देखे नहीं, मैं घूमने गई हूँ मोहाली स्टेडियम, तो मैंने ये देखा कि मोहाली स्टेडियम का आसपास का जो एरिया है वो एरिया भी बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है, ट्रैवलिंग की कोई दिक्कत नहीं है, होटल्स की कोई दिक्कत नहीं है, तो मोहाली एक अच्छा ऑप्शन करा सकते थे, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने क्या, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचकर डिसीजन लिया, बट मेरा ये मानना है कि उनको छोटे वेन्यूज की तरफ जाना चाहिए था जी। तो रवीश, आने वाले जो मैचेस हैं, आपको लगता है कि उनकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि प्लेयर्स एक दूसरे से कम मिलें या कम से कम मैचेस हों, मैन फोर्स थोड़ी सी कम? नहीं राशि, ये नहीं किया जा सकता, फ्रीक्वेंसी आप कम नहीं कर सकते, या तो ये लोग फिर किस बेसिस पे आने वाले जो मैचेस हैं उनको जज करेंगे या कौन सी टीम को बेहतर समझेंगे? नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए, अभी तो बीसीसीआई ने ये कहा है कि आईपीएल कंटिन्यू रहेगा, बस फैसला जो है वो केकेआर को लेकर लेना है, और फैसला ये भी लेना है कि क्या आईपीएल को ही कंटिन्यू करना है, तो आईपीएल अभी बीसीसीआई तो ये कह रहा है कि हमें आईपीएल को कंटिन्यू करना है, फैसला सिर्फ केकेआर को लेकर लेना है, फ्रीक्वेंसी कम नहीं की जा सकती क्योंकि एक स्केड्यूल फिक्स होता है। देखिए, जो भी फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आते हैं उनकी आईपीएल के बाद भी अगली सीरीज होती है। अब अगर आपने आईपीएल, सपोज करो आपको 30 मई तक आईपीएल करना है, आपने उसको बढ़ा दिया 10 जून तक, तो उनकी जो होम टीम्स के जो मैचेस हैं, उनकी जो फ्लाइट्स बुक हैं, उनको जो जाना है, वो सारा स्केड्यूल गड़बड़ा जाएगा। वैसे इंडियन प्लेयर्स के भी साथ होता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी कम कर दें, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं 7 मैच पे विंडो क्लोज करके प्लेऑफ्स करा लें, वो अभी नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि ये एक अलार्मिंग बेल है, एक खतरे की घंटी बज गई है, कोरोना के केसेस खेलते हुए आ गए हैं जिसकी वजह से मैच पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है बीसीसीआई की तरफ से भी, प्लेयर्स के लिए भी, एंड सबको रहने की जरूरत। और आज अगर 2 केसेस आए हैं तो आने वाले टाइम पे और भी केसेस आ सकते हैं, आ सकते हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है, कोशिश यही होनी चाहिए राशि की केसेस ना आए, उम्मीद यही करी जानी चाहिए, बट हाँ एक अलार्मिंग बेल जरूर है कि केसेस आए। बिल्कुल, तो अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं रवीश की बीसीसीआई, अब क्या जो आने वाले मैचेस हैं वो तो क्योंकि हमें नहीं उम्मीद लग रही है कि वो पोस्टपोन होंगे, सिर्फ आज का मैच पोस्टपोन हुआ है, तो यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो मैचेस हैं वो उतनी ही सिक्योरिटी के साथ हों, उतनी ही प्रोटेक्शन के साथ हों, आने वाले जो प्लेयर्स हैं जो अब खेलेंगे उनको कुछ ना हो, और जो व्यूअर्स हैं हमारे जो मैचेस देख रहे हैं, जो अब क्वारंटीन है और जिनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही आईपीएल देखना है, तो उनके लिए तो राहत भरी खबर है कि सिर्फ आज का ही मैच पोस्टपोन हुआ है, आने वाले में कोई मैचेस पोस्टपोन नहीं हुए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उनके लिए तो चलिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, बट मेरे हिसाब से प्लेयर सिक्योरिटी एंड प्लेयर सेफ्टी इज द इम्पॉर्टेंट इशू, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू आई गेस, एंड दे आर प्लेइंग इन बायोसिक्योर बबल। ये एक ऐसा केस आया जिसमें वरुण चक्रवर्ती थे, उनको शोल्डर का स्कैन कराना था, इसलिए ही वॉज आउट, वो बायोसिक्योर बबल से बाहर आए थे, और हो सकता है कि वो वहाँ से उनको इन्फेक्शन हो गया हो, बट देखिए सारे प्रिकॉशंस तो लिए ही जा रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा शायद स्ट्रिक्ट रूल और हो जाए कि मैच खत्म होने के बाद भी खिलाड़ी आपस में ना मिले, कुछ स्ट्रिक्ट कॉल्स शायद बीसीसीआई ने। तो क्या स्पॉन्सर्स पे फर्क पड़ेगा अगर मैच पोस्टपोन होते हैं? मैच पोस्टपोन होगी तो डेफिनेटली स्पॉन्सर्स पे फर्क पड़ेगा राशि, बट ऑन द अदर एंड आपको सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले है। मुझे याद है पिछली बार भी जब बात हो रही थी कि आईपीएल नहीं होगा, तो पंजाब किंग्स के जो कोनर है निसवाड़िया, उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स की सिक्योरिटी, प्लेयर्स की सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, ह्यूमन लाइफ का इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के मैचेस आएंगे जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत लॉसेस होगा, बट ह्यूमन लॉसेस और कैजुअलिटीज वो सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ को कैसे सेव करना है। इसके साथ तो रवीश एक चीज बिल्कुल फिट बैठती है कि जान है तो जहां है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हम भी यही चाहते हैं कि अगर आज का मैच पोस्टपोन हुआ है तो आप बिल्कुल उदास मत होइए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे, और आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनसे रिलेटेड भी सारी अपडेट्स आपको एनएन स्पोर्ट्स में मिलती रहेगी। तो बने रहिए मेरे और रवीश के साथ, एंड कीप वॉचिंग एनएन स्पोर्ट्स।